नमस्कार साथियों, आज मध्य प्रदेश नेट JRF MPhil वालों के लिए खुशखबरी है कि जल्दी ही प्रारंभ होगी PhD के लिए प्रक्रिया। कहाँ पर? पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, एक जिला का नाम है, जहाँ पर पंडित SN शुक्ला विश्वविद्यालय, जिसको पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में PhD के लिए नामांकन प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होगी। अभी तक विश्वविद्यालय में कुल 9 विषयों में सिर्फ 39 शोधार्थी ही पंजीकृत है, जबकि विश्वविद्यालय में कुल 116 सीटें PhD के लिए रिक्त है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष से PhD के लिए विश्वविद्यालय में ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अगले माह हो सकती है बैठक। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में शोध निर्देशकों की मान्यता को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित किया जा सकता है, बैठक आयोजित किया जा सकता है, जो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिसमें जो बॉटनी के शोध निदेशक के लिए आगामी 30 सितंबर को, केमिस्ट्री के लिए 6 सितंबर को शोध समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें शोध निदेशक की पात्रता रखने वालों को शोध समिति उसको अनुमोदित करेगी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद शोध समिति द्वारा मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। ये कार्रवाई किया जाना है। 31 तक चलेगी प्रक्रिया, ये 31 अगस्त तक चलेगी प्रक्रिया जो है, जिसमें राज्य शासन द्वारा छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए कॉलेज लेवल काउंसलिंग के द्वितीय चरण की समय सारणी घोषित की है। सभी कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 20 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 31 अगस्त नियत की गई है। जो छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं वह CLC राउंड के द्वितीय चरण में प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। यहाँ पर देखिए कि क्या है स्थिति, यहाँ पर PhD की स्थिति को हम जाने तो हिंदी विषय में 2 पंजीकृत है और 6 सीट रिक्त है। अंग्रेजी में 3 पंजीकृत है, 13 सीट रिक्त है। भूगोल में 5 अभी पंजीकृत है जबकि 3 सीट रिक्त है। अर्थशास्त्र में 6 सीट रिक्त है। समाजशास्त्र में 3 सीट है और भौतिकी शास्त्र में 22 सीट रिक्त है। रसायन शास्त्र में 12 सीट है। वनस्पति शास्त्र में 7 सीट है और प्राणी शास्त्र में 6। इस तरह से 38 पंजीकृत हुए हैं और 78 सीट रिक्त है। 9 विषय, 15 प्राध्यापक। विश्वविद्यालय में फिलहाल 9 विषयों में PhD कराई जा रही है, जिसके लिए विश्वविद्यालय में कुल 1500 निर्देशक हैं। विश्वविद्यालय में 9 विषयों के लिए कुल 116 सीट निर्धारित की गई है, जिसमें से 38 शोधार्थी पंजीकृत हैं और 78 सीटें अभी खाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा भौतिक शास्त्र फिजिक्स में 24 सीट में से 22 सीट रिक्त हैं। इस तरह से आपके लिए यह एक खुशखबरी है, इसको आप जो है भली भांति देख लें, सचेत रहें कि अगले महीना हो सकती है ये PhD की नोटिफिकेशन, जो मध्य प्रदेश के नेट JRF किए हुए हैं, MPhil किए हुए हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो हिंदी विषय के, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, फिजिक्स केमिस्ट्री, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी के जो नेट JRF MPhil किए हुए हैं या PG हैं और जो PhD करने में इच्छुक रखते हैं, उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आपको हमेशा प्रतीक्षा करना चाहिए। जो विशेषकर शहडोल के रहने वाले लोग हैं और यदि वो PhD करने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए आपके ज़िले में ही जो विश्वविद्यालय स्थित है, उस विश्वविद्यालय में PhD के सीट रिक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर प्राध्यापकों की संख्या कम है, जिसके कारण से कुछ सालों से इसकी प्रक्रिया थमी हुई है और अब 31 अगस्त तक जो है कोई भी स्थिति में जो शोध निदेशकों के लिए यहाँ पर जो बैठक होगी आगामी 3 सितंबर के लिए, 6 सितंबर ये इसके लिए पूरा तैयारी चल रही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है ये मीटिंग हो और जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन हो, ताकि समय पूर्व हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, जो PhD करना चाहते हैं, PhD करके अपने भाग्य
एकेडमिक लाइन में करियर बनाना चाहते हैं या नेट जेआरएफ के बाद जिनकी इच्छा रहता है कि हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होता है नेट जेआरएफ क्लियर करने वाले का कि उनका भी पीएचडी हो जाए, उनका भी रिसर्च हो जाए, रिसर्च के प्रति उनकी भावनाएं जो है शुभ भावनाएं बनी रहती है। तो इसी अपेक्षाओं के साथ में हम आपसे यही अनुग्रह करते हैं कि आप प्रतीक्षा करें और अपने नोटिफिकेशन देखते रहें। हम भी अपने जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही हम वीडियो के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। और आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।